नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अंकित गरुला। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां पे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले जो कि हैं पुष्कर सिंह धामी जी, और साथ ही साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे जो कि पुष्कर सिंह धामी जी को यहाँ पर संबोधित करेंगे। और आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ चुकी है, सभी केंद्रीय मंत्री वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ चुके हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या है उनके विचार इसके ऊपर। नमस्कार सर। सर, आज इतना बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए, पुष्कर सिंह धामी जी आप शपथ लेने आए, तो आपका क्या कहना है इसमें, क्या विचार है आपके? सबसे पहले तो इस चैनल के सभी आप सम्मानितों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश में योग प्रधानमंत्री मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड भी सारे मिथकों को तोड़ता हुआ, जैसा कि मिथक था उत्तराखंड में एक सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती है, हारने के बाद भी अपनी विधानसभा सीट हारने के बाद भी आज मुख्यमंत्री विधानमंडल दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है, तो उत्तराखंड के विकास को नई दिशा और दशा देने का काम पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे। और इस बार फिर से वापस बीजेपी आ रही है, पुष्कर सिंह धामी जी लेके आ रहे हैं उनको, तो आपके क्या विचार है इसमें? आप क्या चाहते हैं कि इस बार जो कार्य पहले नहीं हुए, इस बार कौन से कार्य चाहते हैं कि आप हो जाएं? देखिए, उत्तराखंड में अगर कार्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा फोकस जो है, जो उन्नत उत्तराखंड हो उसके लिए पर्यटन पर माननीय धामी जी का बहुत अच्छा प्रयास है कि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड देश के सभी राज्यों में अग्रणी राज्य बने। और आपने देखा, मोदी जी और धामी जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर के आम जनमानस ने एक बार फिर से प्रचंड बहुमत उत्तराखंड सरकार को दिया है, और आप देखेंगे उत्तराखंड एक नई विकास की इबारतें रचेगा। आपको क्या लगता है सर, इस बार पुष्कर सिंह धामी जी पलायन के ऊपर कुछ काम करेंगे? बिल्कुल, पलायन के ऊपर काम करेंगे। माननीय धामी जी ही नहीं, भाजपा सरकार पूरे प्रदेशों में, जहां पर भी चाहे हो, हिमाचल प्रदेश हो, हमारा उत्तराखंड प्रदेश हो, जो पर्वतीय राज्य हैं हमारे, इन पर पलायन पर काम होगा। पलायन पर काम करने का मकसद केवल किताबी काम नहीं होगा, पलायन वहां के आम जनमानस को रोजगार से जोड़ना, अच्छी शिक्षा नीति से जोड़ना, वहां पर हॉस्पिटैलिटी को अच्छा करना, इस पर प्रदेश सरकार काम करेगी। नमस्कार सर, धन्यवाद। आपने जिस तरीके से देखा यहां पर जो भी कार्य है सरकार, कोई भी लोगों को ज़्यादातर यहाँ पे कार्य चाहिए और कार्य बीजेपी द्वारा हुआ जा रहा है यहाँ पर, तो धीरे धीरे यहाँ पे लगातार भीड़ उमड़ रही है, भीड़ लगातार बढ़ रही है, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है टाइम कि अंदर पुष्कर सिंह धामी जी आएंगे और शपथ लेंगे, तो आइए और जानते हैं लोगों से कि कैसा रुझान है यहाँ पे उनका। तो सर, कैसा रुझान देखने को मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है, पुष्कर सिंह धामी जी का जितना अच्छा काम है उतना बढ़िया इनका रुझान है। और आप क्या चाहते हैं इस बार क्या कार्य करें आपके लिए? कार्यक्रम अच्छा ही होगा। नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा बात आप बोलना चाहते हैं क्या? वो तो एक महान देश के पूरे ही मंत्री हैं, उन्होंने तो पूरे देश को संभाल रखा है। ठीक है जी, उनका तो जितना कह जाए थोड़ा कमी है। दोस्तों, जानते हैं कि आज का जो दिन है, इतना बड़ा दिन है, इस पर कैसा रुझान है लोगों के प्रति अंदर, अभी पुष्कर सिंह धामी जी आएंगे तो उनका क्या इसके ऊपर रिएक्शन है, ये बात करते हैं। सर, आज इतना बड़ा दिन है, पुष्कर सिंह धामी जी आएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे और बीजेपी आई है वापस से, तो आपका क्या है, कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, जनता के बीच में बड़ा उत्साह है, और धामी जी को सबसे पहले बधाइयाँ, मोदी जी को बधाइयाँ, सबको बधाइयाँ, पूरे उत्तराखंड के लोगों को बधाइयाँ। हम लोग गंगोत्री से बिलोंग करते हैं, और हम लोग तो अभी भी ये कहना चाहते हैं कि गंगोत्री को मिथक बोलते हैं, कि मिथक जो गंगोत्री से जीतता है विधायक सरकार उसकी बनती है, लेकिन उस मिथक का आज तक हमें कोई भी फल नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि धामी जी से, माननीय मोदी जी से, कि गंगोत्री को सम्मान दिया जाए, गंगोत्री को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों, हमारे साथ वीना रतुड़ी जी जुड़ चुके हैं अभी, जो कि पार्षद है, तो आज उनसे जानते हैं उनको लिए कैसा रुझान है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं आपको कैसा रुझान देखने को मिल रहा है यहाँ पे आज? आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कितना पूरा उत्तराखंड कितना खुशी का आज माहौल है, जो हमारे माननीय धामी जी को आज शपथ ग्रहण हो रहा है उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे आदरणीय धामी जी पर एक बार पुनः विश्वास करके अपने उत्तराखंड की बागडोर उनके हाथों में सौंपी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि धामी जी एक युवा जो विज़न है उनका, वो उत्तराखंड को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो ये थी नारी सशक्तिकरण की एक जवाब, जो कि पुष्कर सिंह धामी जी के सामने अभी जाने वाला है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे प्राइम न्यूज 24 के साथ, मैं आपके साथ अंकित गरुला। पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल समेत 8 मंत्रियों ने ली शपथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली।
शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मंच पर पहुंचे। नितिन गडकरी, मीनाक्षी लेखी, विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, असम के सीएम हेमंत बिस्वा भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी के साथ साथ सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, चंदन रामदास, रेखा आर्य, गणेश जोशी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री बनने के लिए रेखा आर्य आज फिर परंपरागत परिधान में पहुंची। सतपाल महाराज पगड़ी पहनकर आए। प्राइम न्यूज 24 के लिए अंकित गैरोला के साथ पायल रावत की रिपोर्ट। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। थैंक यू।